गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंथैल्पी, अनदर यूजफुल स्टेट फंक्शन। तो ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का है, क्लास 11th का। हमने इंटरनल एनर्जी किया, वर्क किया और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की। अब हम कर रहे हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या है? कोई भी जब प्रोसेस हम कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हीट एब्जॉर्ब इन्वॉल्व कितनी हो रही है, उसे हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो यहाँ इंटरनल एनर्जी जो है हमने पहले पढ़ी है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं वो क्या है, एनर्जी चेंज फॉलोज फॉर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू विच, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा क्या था, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे करें तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, तो क्यू वी इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। तो वी क्या है? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? हीट अब्जॉर्ब या इन्वॉल्व कितनी हो रही है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, उसे हम इंटरनल एनर्जी चेंज बोलेंगे। यहाँ डेल्टा यू हमें पता है स्टेट फंक्शन है, तो क्यू वी जो है वो क्या है? स्टेट फंक्शन। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा। डेल्टा वी क्या है? इंक्रीज इन वॉल्यूम, एंड पी क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? क्यू इक्वल टू यू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जो है पी डेल्टा वी के इक्वल है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब हम इसकी इक्वेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे हम, यहाँ पे कर रहे हैं Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। तो हमें पता है W किसके इक्वल है? इक्वल टू माइनस P डेल्टा V के इक्वल है। अब Q अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे ही बात कर रहे हैं, क्यू पी इसको कर दूंगी डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो अगर हमें बोलूँ कि वॉल्यूम जो होगी चेंज होगी वी वन से वी टू, और जो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी यू वन टू यू टू, तो इसमें क्या होगा? डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा यू इक्वल टू यू टू माइनस यू वन। और डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाएगा? वी टू माइनस वी वन, जब इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम चेंज हो रही है, जब वर्क किसी सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें डालूँ तो क्या मिलेगा? क्यू पी इक्वल टू यू टू माइनस यू वन। इन दोनों को मैं इसमें डालूँ, डेल्टा यू और डेल्टा वी की जगह, प्लस पी वी टू माइनस वी वन। तो इसमें जैसे क्यू पी इक्वल टू यू टी यू टू प्लस पी वी टू, पी वी टू प्लस सॉरी माइनस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वाला माइनस रहेगा। दूसरा करूँगी यू वन प्लस पी वी वन, पी वी वन। अब यहाँ पे यू प्लस पी वाई पी वी जो है वो एच के इक्वल है। एच जो है हीट एनर्जी जो चेंज हो रही है, अब्जॉर्ब इवॉल्व हो रही है, उसे हम बोलेंगे हीट कंटेंट और एंथैल्पी जिसे बोलते हैं, वो क्या है? एच प्लस पी वी के इक्वल होता है। तो यहाँ मैं बोल दूँ कि ये जो होगा एच टू के इक्वल होगा, ये एच वन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखूँगी एच टू इक्वल टू यू टू प्लस पी वी टू। तो ये किसके? एच वन के इक्वल। एच वन इक्वल टू यू वन प्लस पी वी वन। तो इसको मैं यहाँ पे डाल दूँ तो क्या आएगा? क्यू पी इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, मतलब चेंज इन एंथैल्पी। क्यू पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हीट होगी, तो किसके इक्वल होगा? चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एच किसके इक्वल है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल है। तो ये हो गया एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? किसी भी प्रोसेस में जिसमें हम काम कर रहे हैं सिस्टम पे, उसमें कितनी एनर्जी चेंज है, मतलब अब्जॉर्ब या इन्वॉल्व हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कांस्टेंट प्रेशर पे, उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी।